एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो चलिए देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन था क्या, इसकी स्थापना कब हुई और आखिर इसे स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली चीज की गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि हिंदी में हम बोलते हैं, इसी को इंग्लिश के अंदर नाम बोला जाता है, यानी NAM, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो गुट निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है गुटों से दूर रहना, यानी जितने भी गुट हैं हमारे आसपास उन सब से दूर रहना। तो अगर हम बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, तो शीत युद्ध के समय जो दो अलग अलग महाशक्तियां बन गई थी, उनके दो अलग अलग गुट बन गए थे, तो उन दोनों गुटों से दूर रहने के लिए जो बाकी के देशों ने तरीका अपनाया, उसी को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। यानी विश्व के दो ध्रुवीयता से बाहर निकलकर अपनी एक अलग विदेश नीति अपनाना, यही गुट निरपेक्ष आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति कायम करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन बेसिकली दोनों महाशक्तियों के गुटों में ना शामिल होने का आंदोलन था। इसके अंदर शामिल सभी देशों ने यह कहा कि हम दोनों महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र से दूर रहेंगे और किसी के भी अंडर आकर काम नहीं करेंगे, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे तथा अपनी व्यवस्था को अपने अनुसार चलाएंगे। पर इन सब चीजों का मतलब ये नहीं था कि ये सभी देश अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर थे, परंतु ये सब दोनों महाशक्तियों से दूर थे। आगे अगर हम देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, यानी इस विचारधारा की शुरुआत हुई थी 1956 में, जब भारत के जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रांस टीटो जो कि यूगोस्लाविया के थे, और इसी के साथ साथ गमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे, उन दोनों ने बांडुंग में एक सफल बैठक की थी 1956 में, जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उदय हुआ था। इसके बाद आगे जाकर पहला सम्मेलन, यानी सबसे पहला सम्मेलन जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का हुआ, वो 1961 में हुआ था, जहां पर ये तीनों लोग जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, इनके साथ वामे एनक्रूमा जो कि घाना के थे, उसी के साथ जोसेफ ब्रांस टीटो जो यूगोस्लाविया के थे, और पांचवे थे सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया के थे। ये पांचों थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश। इन पांचों नेताओं ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, और इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश शामिल हुए। और उसके बाद इसका 14वां सम्मेलन हुआ 166 देशों के साथ, जिसके अंदर अन्य 15 पर्यवेक्षक देश भी शामिल थे। अगर हम बात करें गुट निरपेक्षता की नीति की, तो जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो पंचशील सिद्धांतों पर आधारित थी, यानी वो पांच सिद्धांत जिसके अनुसार गुट निरपेक्षता की नीति को बनाया गया था, वो पांच सिद्धांत थे, जिसमें से पहला ये था कि कोई भी देश दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा। इसी के साथ साथ गुट निरपेक्ष जितने भी देश थे सब एक दूसरे के सैन्य और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सभी देश आपस में सहमति बनाए रखने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे समानता और पारस्परिक लाभ सबको हो सके, यानी प्रत्येक सदस्य को लाभ हो सके, और इसी के साथ साथ विश्व के अंदर शांतिपूर्ण रहने के तरीके को विकसित करेंगे, ताकि सभी देश खुशहाली से रहकर विकास कर सकें और एक दूसरे का आर्थिक सहयोग कर सके। इसके आगे अगर हम देखें तो एक और विचारधारा हमारे सामने आती है, जो है पृथकवाद। जब गुट निरपेक्षता की शुरुआत हुई तो इस बात पर बहस होने लगी कि कहीं गुट निरपेक्षता पृथकवाद तो नहीं। तो पहले जानते हैं कि पृथकवाद क्या था। पृथकवाद से हमारा अभिप्राय एक ऐसी नीति से होता है जिसमें एक देश खुद को अंतरराष्ट्रीय मामलों से पूरी तरीके से अलग कर लेता है, मतलब कि वो किसी भी अन्य देश से कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं रखता। पर अगर हम बात करें कि क्या गुट निरपेक्षता पृथकवाद थी, तो हमारे सामने एक चीज आती है कि गुट निरपेक्षता पृथकवाद नहीं थी, क्योंकि पृथकवाद का मतलब एक ऐसी नीति से है जिसमें एक देश खुद को अंतरराष्ट्रीय मामलों से पूरी तरह से अलग कर लेता है, जबकि जो गुट निरपेक्ष देश थे उन्होंने केवल खुद को दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर किया था, जबकि बाकी अन्य सभी देशों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। एक और बात जिस पर बहस गर्म हुई गुट निरपेक्षता के साथ, होता तटस्थता। बहुत से लोगों ने कहा कि जो गुट निरपेक्षता है वो कहीं ना कहीं तटस्थता से प्रभावित है, पर कुछ हद तक ये भी गलत था। पहले देखते हैं तटस्थता क्या होता है। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल ना होना। तटस्थ देश ना तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और ना ही उसे समाप्त कराने के लिए कोई कदम उठाते हैं।
अगर इसी चीज को हम आगे देखें तो हमें ये रियलाइज होता है कि गुटनिरपेक्षता तटस्थवाद भी नहीं थी। जो गुटनिरपेक्षता था वो तटस्थवाद से बहुत ज्यादा अलग था। अगर हम देखें तो तटस्थवाद वो इसीलिए नहीं था क्योंकि तटस्थ देश वह देश होता है जिसे युद्ध के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वह युद्ध में हिस्सा लेता है और ना उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाता है। पर दूसरी तरफ अगर हम गुटनिरपेक्षता को देखें तो कोई भी देश भले ही युद्ध में शामिल नहीं हुआ परंतु उन्होंने उसे शांत कराने के लिए निरंतर कदम उठाए। गुटनिरपेक्ष देशों ने कहा कि हाँ हम महाशक्तियों के साथ नहीं है पर उनके हर सही कदम का हम समर्थन करेंगे तथा हर गलत कदम का हम विरोध भी करेंगे, जो उनकी युद्ध शांत कराने में भूमिका को दर्शाता है। अगर हम बात करें गुटनिरपेक्षता और भारत के बारे में तो गुटनिरपेक्षता में शामिल होने से भारत को जो फायदे हुए वो काफी ज्यादा थे। अगर हम इस पर एक एक करके नजर डालें तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो ये है कि भारत को स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का मौका मिला, यानी अब वो किसी भी महाशक्ति के दबाव में नहीं था कि अगर वो अमेरिका के दबाव में होता तो अमेरिका उसे प्रभावित करता और दूसरी तरफ रूस भी ऐसा ही करता, पर गुटनिरपेक्ष होने की वजह से भारत को मौका मिला कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना पाया और जिस देश से उसे जैसा संबंध रखना था वो उससे वैसे संबंध रख सका। इसी के साथ साथ उसको दोनों महाशक्तियों का समर्थन मिला। कहीं ना कहीं भारत इस स्थिति में था कि वो चाहता तो अमेरिका से भी समर्थन ले सकता था और रूस से भी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पहचान मिली क्योंकि वो इस आंदोलन के संस्थापक देशों में से एक था, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पैठ बढ़ी। अगर हम आगे देखें तो एक महाशक्ति द्वारा विरोध किए जाने पर वह दूसरी महाशक्ति का समर्थन प्राप्त कर सकता था। भारत हमेशा ही इस स्थिति में था कि अगर किसी भी परिस्थिति में कोई भी एक महाशक्ति उस पर दबाव बनाए या उसे डराए धमकाए तो वो बड़े आराम से दूसरी महाशक्ति में शामिल होकर इस चीज को डील कर सकता था। इसी के साथ साथ जो एक फायदा भारत को और हुआ वो ये था कि उसे अन्य विकासशील देशों का सहयोग मिला। अन्य विकासशील देश यानी वो सभी देश जो गुटनिरपेक्षता के अंदर शामिल थे उसका भारत को समर्थन मिला, उनका सहयोग मिला और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अच्छी इमेज बनाने में सफल हुआ। आगे अगर हम देखें तो भारतीय नीति की कहीं ना कहीं बाकी देशों द्वारा या बाकी विचारकों द्वारा आलोचना भी की गई। ऐसा इसीलिए कहा गया या उनके द्वारा जो दिए गए तर्क थे वो ये थे कि जो भारत की नीति थी उसमें स्थिरता नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगा कि भारत पूर्ण रूप से गुटनिरपेक्ष नहीं है, कभी उसका झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा लगा तो कभी रूस की तरफ। कुछ ने ये भी कहा कि भारत की नीति सिद्धांत विहीन है, यानी इस गुटनिरपेक्षता के अंदर कोई लॉजिक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय फैसलों से लेने की बचने की कोशिश की जा रही है भारत द्वारा, यानी भारत कोई भी एक स्टैंड नहीं लेना चाहता कि वो दोनों महाशक्तियों में से किसके साथ है। इसी के साथ साथ 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत ने सोवियत संघ से मदद ली जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन भी माना गया और साथ ही साथ ऐसा कहा गया कि भारत दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में बात करें तो इससे हमारा अभिप्राय आज के समय में गुटनिरपेक्षता की जरूरत से है। बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जन्म शीत युद्ध की वजह से हुआ था जो कि अब खत्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर गुटनिरपेक्षता को बनाए रखना कहीं ना कहीं व्यर्थ है और अप्रासंगिक है। अगर हम बात करें प्रासंगिकता के बारे में तो प्रासंगिक शब्द का अर्थ होता है किसी चीज की जरूरत। तो जहां जहां हम प्रासंगिकता का यूज करते हैं उसका मतलब है उपयोगिता, यानी गुटनिरपेक्षता की उपयोगिता। पर इसी के साथ साथ जो देश गुटनिरपेक्षता में शामिल है उनके इस बारे में कुछ अलग विचार है और उनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि गुटनिरपेक्षता वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, यानी उतनी ही उपयोगी है जितनी शीत युद्ध के समय में हुआ करती थी। ऐसा वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गुटनिरपेक्षता शांति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी के साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके साथ अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा की जा सकती है, जो छोटे देश हैं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है और साथ ही साथ पर्यावरण और आतंकवाद जैसे मुद्दे जो कि किसी एक देश के हाथ में नहीं है उन समस्याओं का मुकाबला भी किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।